नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। एक दर्दनाक सड़क हादसा सिरसा में हुआ है, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराने के बाद मां बेटी समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल कार में 7 लोग सवार थे, महिला सहित 2 घायलों का नागरिक हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। मृतकों में 3 महिलाएं, 1 ड्राइवर व 1 2 महीनों की बच्ची शामिल है। दरअसल ये गांव खारिया स्थित डेरा बाबा मुंगानाथ में दर्शनों के बाद पूरा परिवार घर लौट रहा था, और गांव मेनाखेड़ा के रहने वाले हैं तमाम जो मृतक हैं। शवों को नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। हरियाणा के सिरसा जिला में गांव मेनाखेड़ा के नज़दीक सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाकई ही एक दर्दनाक हादसा, और पूरे गांव में मातम पसरा है। दरअसल तमाम एक ही परिवार के लोग थे, जो बाबा के दरबार में माथा टेकने के तत्पश्चात बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के शवों को सिरसा के हॉस्पिटल में रखवाया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में 1-2 माह की बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हुई है। सभी मृतक गांव मेनाखेड़ा के रहने वाले बताए गए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये पेड़ के साथ टक्कर इतनी भयानक थी कि लाल रंग की इस गाड़ी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई, यानी कि गाड़ी का पीछे का हिस्सा है वो काफ़ी दूर जाकर पड़ा है, और आगे का हिस्सा वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी काफ़ी तेज रफ्तार के साथ थी, और अचानक जो चालक अपना वो नियंत्रण खो बैठा, और पूरा परिवार जो इस गाड़ी के अंदर सवार होकर खारिया में बाबा मुंगानाथ के डेरे में जो माथा टेकने के लिए आया था। गांव मेनाखेड़ा के पूर्व सरपंच सुभाष मेहता ने बताया कि गांव के कुछ लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई है, 2 लोग घायल जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पर पुलिस अधिकारी किशोर लाल ने बताया कि खारिया से मेनाखेड़ा जाते वक्त गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, 7 लोग सवार थे, 5 की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये एक भयानक सड़क हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आज सिरसा में नए साल के दूसरे दिन ही एक भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। मेनाखेड़ा के पास सड़क किनारे पर पेड़ से ये गाड़ी जो कार टकराई है, और 2 एक जो मां की बच्ची है इसमें वो भी मृतकों में शामिल है। वहीं पर अगर हम बात करें मेनाखेड़ा निवासी, जो जानकारी के मुताबिक विक्रम, पार्वती, शबनम, सरस्वती, संदीप, बंती देवी, पव, आरती गांव खारिया स्थित डेरा बाबा मुंगानाथ में माथा टेकने के लिए गए थे। सुबह माथा टेकने के बाद कार में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान मेनाखेड़ा के पास जाकर कार अनियंत्रित हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मरने वालों में 2, 1 माह की बच्ची आरती, महिला पार्वती, विक्रम, शबनम व सरस्वती शामिल है। कार विक्रम चला रहा था, जबकि संदीप व बंती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। तो ये एक दर्दनाक हादसा जो कि आज सिरसा में साल 2023 के दूसरे दिन हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा। मेनाखेड़ा और खारिया के अंदर 4.5 किलोमीटर का रास्ता है। 4 किलोमीटर के अंदर एक मंगू जी बाबा जी का वहाँ एक डेरा है, वहाँ ये माथा टेकने आ रहे 11 से। आज 11 की वजह से बहुत बड़ा मेला लगता है मंगू जी का, और भगवान जाने जी किस्मत को क्या मंजूर था। ये हमारे गांव में बड़ी दुखद खबर है जी, 5-5 बंदों को जाना कोई आसान बात नहीं होती। जो परमात्मा को मंजूर है जी वो तो हो गया। एक्सीडेंट वो किक्कर में लगी है जी गाड़ी, जिसमें 7 आदमी थे, 5 की तो डेथ हो गई है, 2 हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भगवान की दया से ठीक है। ये खारिया से मेणा की तरफ जा रही थी, कार थी मारुति 800 थी, उसके अंदर 7 सवारियाँ थी। जो मेणा की तरफ पहुँचे वन से वहाँ एक गाड़ी थी किकर में जाग लगी थी, जिसके अंदर 5 बंदे एयर स्पोर्ट एक्सपायर हो गए, और 2 बंदे इनका उपचार चल रहे हैं सरकारी अस्पताल सिरसा में।